भदोही जनपद में पुलिस व मत्स्य विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे 19 से दो ट्रकों में 10 लाख रुपया से ज्यादा की कीमत की प्रतिबंधित थाई मांगूर मछली बरामद की है। बरामद मछली तस्करी कर ले जाई जा रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे 19 के जरिए थाई मांगूर मछलियों को दो ट्रकों में लादकर भेजा जा रहा है। मुखबिर की सूचना के बाद क्राइम ब्रांच गोपीगंज कोतवाली पुलिस और मत्स्य विभाग की संयुक्त टीम ने दोनों ट्रकों को पकड़ा है। पुलिस ने मौके से 9 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गोपीगंज कोतवाली इलाके से पकड़े गए दोनों ट्रकों में बरामद मछलियों की कीमत 10 लाख रुपया से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रतिबंधित मछलियों को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर नष्ट कराया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। भदोही से राकेश सिंह की रिपोर्ट। आज जनपद भदोही में थाना क्षेत्र गोपीगंज में मत्स्य निरीक्षक प्रमोद कुमार, प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज अभिनव वर्मा, स्वाट प्रभारी विनोद दुबे और सर्विलांस टीम प्रभारी ब्रजेश सिंह के नेतृत्व में दो ट्रकें बरामद की गई। इस बरामदगी के आधार पर थाना गोपीगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें कुल 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। बरामद मछली की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। बरामदगी के उपरांत मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इसको जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर दफनाया गया। अभियुक्तों के खिलाफ उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।